जमशेदपुर के झुकसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मकदमपुर रेलवे फाटक के पास विधायक मंगल कालिंदी ने वीर शहीद खुदीराम बोस पार्क का शिलान्यास किया, जहां एक तरफ लोग कचरे की ढेर में जीवन जीने को मजबूर थे। पार्क के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। कई वर्षों से क्षेत्र के लोग गंदगी के अंबार में जीने को मजबूर थे। स्थिति इतनी दयनीय थी कि उस क्षेत्र से लोगों का आना जाना मुश्किल था। ऐसे में सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा कई बार उक्त स्थल की साफ सफाई के लिए लड़ाई लड़ी गई। स्वयं श्रमदान कर उस स्थान को साफ किया गया। स्थिति का जायजा जब क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने लिया तो उन्होंने जल्द ही पार्क बनाने का आश्वासन दिया। अपने वादे के मुताबिक विधायक मंगल कालिंदी ने 15 लाख की लागत से मखदुमपुर रेलवे फाटक के निकट पार्क निर्माण का शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को एक सौगात दी। जानकारी देते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि पार्क में सारी सुविधा क्षेत्र वासियों के लिए, बच्चों के लिए दी जाएगी, ताकि स्थानीय लोग पार्क का भरपूर लाभ उठा सके और भविष्य में जरूरत पड़ने पर अन्य सुविधाओं से भी पार्क को लैस किया जाएगा। संजय जी सेवा ही लक्ष्य के, संजय जी से अनुरोध है कि आप मनोहर हुसैन जी को माला पहना के स्वागत करें। पांडे पांडे नहीं है, टाइटल चेंज मनोहर जी को। संतोष ओझा जी आप रंजीत झा जी को माला पहना के चलिए पंकज जी सामने आइए, चलिए हटाइए। देखें तो पढ़ेंगे, हाँ पढ़िए दादा पढ़िए। देखिए इस क्षेत्र का जिस तरह एक पहचान बन चुका था कि परिस्थिति में गंदगी का अंबार सड़क नहीं है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय मंगल कालिंदी जी के द्वारा कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों का जो सपना, बरसों पुराना मांग, जो इस क्षेत्र में पार्क बने, रोड बने, वो सफल होने नजर आ रहा है। के लिए ऐतिहासिक पल है और बहुत दिनों का डिमांड था, क्योंकि गंदगी का अंबार यहाँ पर कई बरसों से लगे रहा, लेकिन उसका अस्थाई समाधान नहीं हो पा रहा था। लोग सफाई करवा रहे थे, हम लोग भी बार बार लगे, माननीय जी लगे, राजकुमार जी लगे, लेकिन माननीय विधायक जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि अगर यहाँ एक अस्थाई निवारण इस क्षेत्र का हो जाए, पार्क बन जाता है, तो इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक काम हो जाएगा। विधायक जी साथ साथ स्वीकार करते हुए आज उस पार्क बनाने का शिलान्यास यहाँ किए हैं। और उस पार्क में जो एक पार्क में सुविधा होनी चाहिए, चाहे वो वॉकिंग के लिए, हमारे बुजुर्ग वॉकिंग करते हैं, बच्चे वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग के लिए एक रोड होगा, बैठने का कुर्सी की व्यवस्था होगी, या ओपन जिम में जो भी कुछ एरोबिक्स आइटम होते हैं वो सारे चीज़ लगेंगे, ताकि हमारे लोग जो इधर उधर भटकते हैं सवेरे, वो इस पार्क में उसका उपयोग कर सकेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा लोकप्रिय विधायक दादा मंगल कालिंदी के द्वारा आज मंदिर के प्रांगण में वीर शहीद खुदीराम बोस के पार्क का शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें आप लोग देखिए परसों की जो मुख्य सड़क है जहाँ पर गंदगी का अंबार हुआ करता था, आज इन्हीं का आशीर्वादों से आज पार्क का शिलान्यास हो गया। आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ कचरा का अंबार हमेशा रहता था, और हमारे राजकुमार जी जिला परिषद थे और मानिक मलिक जी हमेशा साफ करते थे, तो हम लोग लास्ट दुर्गा पूजा के पहले जो हम लोग सफाई अभियान किए थे, उस समय हम लोगों का जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा जी और पूर्णिमा मलिक जी और अनुया एक्का मुखिया जी और यहाँ के पंचायत समिति वार्ड सदस्य मानिक मलिक जी, सारे लोग, हम लोगों ने विचार किया कि कचरा हमेशा साफ हम लोग कराते रहते, फिर कचरा हो जाता है, तो चलो यहाँ में हम लोग पार्क बनाते हैं। सारे लोगों का विचार से और परसुडी क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों का भी विचार आया कि यहाँ पार्क बनना चाहिए,
तो हम लोग इस पर शहीद खुदीराम बोस पार्क के नाम से इसको हम लोग आज शिलान्यास किया है। अब काम यहाँ बहुत जल्द चालू हो जाएगा और इसमें बहुत सारे व्यवस्था भी रहेगी। और इसके साथ साथ ये अभी हम लोग 15 लाख के लागत से इस पार्क को बना रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो और भी 15 लाख रुपए इसमें खर्च करके इसको सुंदर सा हम लोग पार्क बनाएंगे। और इसके साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हमने 22 मार्च को बात किया था कि आज जो ये खास महल से लेकर जो गदड़ा तक का जो रोड है वो बहुत जर्जर स्थिति में है, तो ये पार्क के साथ साथ ये रोड भी खास महल से बनते हुए चले जाएगा तो सुंदरता और बढ़ जाएगी और आगे भी हम लोग इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इस पार्क में छठ घाट और ओपन जिम की भी मांग चल रही है, क्या अभी बनाया जाएगा क्या इसमें? हाँ, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। छठ घाट तो एकदम जरूरी है। अभी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4-4 छठ घाट भी बनाए और 6 जो है 3 शिव मंदिर है, 2 बजरंगबली मंदिर है, 1 काली मंदिर है, ये भी हमने बनाने का काम किया है। तो छठ घाट हमारे छोटे भाई मालिक मलिक जी का विचार है कि यहाँ पार्क भी होना चाहिए तो हम लोग पार्क भी बनाए। कब तक लोगों को इस पार्क का सौगात मिल जाएगा? अभी तो हम लोग पार्क का काम चालू करेंगे, अब आप लोग भी देखेंगे, समय तो लगता है बनाने में। किस विभाग के द्वारा बन रहा है ये? जनता का फंड से बन रहा है, जनता को ये हम लोग समर्पित करेंगे बनाने।